वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू टेक्नोलॉजी। फ्रेंड, इस वीडियो में हम देखेंगे कि अपने माई एसक्यूएल के अंदर हम लोग कैसे डेट निकालेंगे, करेंट डेट कैसे निकालेंगे, करेंट टाइम कैसे निकालेंगे और करेंट डेट एंड टाइम कैसे निकालेंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंट डेट की बात करेंगे, ठीक है, कि करेंट डेट मुझे कैसे निकालनी है। ठीक है, तो करेंट माई एसक्यूएल में एक फंक्शन आता है करेंट अंडरस्कोर डेट। ठीक है, उस फंक्शन को यूज करके आप जो भी आज का डेट होगा, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा। या तो एक और फंक्शन होता है CUR डेट, ठीक है, उस फंक्शन को भी अगर आप यूज करोगे तो आपको करेंट डेट मिल जाएगा। ठीक है, ये दोनों फंक्शन CUR डेट एंड करेंट डेट, दोनों अंडरस्कोर डेट जो है दोनों इक्वल फंक्शन है। ठीक है, अब इसको ये जो है रिटर्न क्या करता है, या तो आपको स्ट्रिंग फॉर्मेट में डेट रिटर्न करेगा या तो न्यूमेरिक वैल्यू में रिटर्न करेगा। ठीक है, इसका सिंटेक्स क्या होगा, या तो आप इस तरीके से लिख लीजिए करेंट अंडरस्कोर डेट, ठीक है, या तो आप CURD डेट लिखेंगे। फिर इसका टेक्निकल डिटेल्स क्या है, तो अगर आप करेंट अंडरस्कोर डेट फंक्शन को यूज करना चाहते हैं तो जो MySQL का जो वर्जन होना चाहिए 4.0 होनी चाहिए। ठीक है, अब इसको इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। तो आपको लिखना है सिंपली सेलेक्ट CURD डेट, या आप करेंट अंडरस्कोर डेट भी लिख सकते हैं। तो दोनों से आज का जो डेट होगा वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप ये स्ट्रिंग वैल्यू आपको रिटर्न किया है किस फॉर्मेट में, YY MM और D, ठीक है, यानी ईयर मंथ एंड डेट। ठीक है, एंड उसके बाद अगर आप उसका न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न करना चाहते हैं तो आपको लिखना है सेलेक्ट करेंट डेट, ठीक है, या CURD डेट प्लस 1, तो आपको क्या होगा, न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, और अगर आप चाह रहे हैं कि मुझे आज के डेट के साथ टाइम भी चाहिए, कि आज का जो डेट है वो और अभी जो टाइम हो रहा है वो चाहिए, ठीक है, तो आपको यूज करना है करेंट अंडरस्कोर टाइम स्टैम्प। ये क्या काम करता है, रिटर्न करता है आपको, ये फंक्शन रिटर्न करता है करेंट डेट एंड टाइम। ठीक है, अब वो किस फॉर्मेट में रिटर्न करता है, तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में रिटर्न करता है। तो क्या कौन सा फॉर्मेट रहेगा, YY MM D, और फिर आपको आवर मिनट्स एंड सेकेंड, अगर आपको न्यूमेरिक, ये न्यूमेरिक वैल्यू भी रिटर्न करता है। ठीक है, अब इसका सिंटेक्स क्या होगा, तो आपको लिखना है करेंट टाइम स्टैम्प। ठीक है, अब इसका टेक्निकल डिटेल्स क्या है, तो अगर आप करेंट टाइम स्टैम्प यूज करना चाहते हैं तो जो MySQL का जो वर्जन होना चाहिए 4.0 होना चाहिए, उससे अबव होना चाहिए, उससे नीचे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसका एग्जांपल, तो आपको सिंपली लिखना है सेलेक्ट करेंट टाइम स्टैम्प, तो आपको मिल जाएगा आज का डेट के साथ टाइम भी। ठीक है, अगर आप इसको प्लस 1 कर देंगे तो न्यूमेरिक वैल्यू आपको रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब इसी तरीके से टाइम भी निकाल सकते हैं, तो आपको लिखना है करेंट अंडरस्कोर टाइम। ठीक है, अब ये फंक्शन क्या करता है, आपको ओनली टाइम रिटर्न करेगा। ठीक है, अब क्या किस फॉर्मेट में, ये भी या तो आपको स्ट्रिंग फॉर्मेट में रिटर्न करेगा। ठीक है, पहले आवर मिलेगा, फिर मिनट, फिर सेकेंड। ठीक है, अगर आप इसको न्यूमेरिक वैल्यू भी रिटर्न करता है। ठीक है, तो इसका अब जो है CUR अंडरस्कोर जो टाइम है, या CUR टाइम, ठीक है, यानी करेंट अंडरस्कोर टाइम फंक्शन और CUR टाइम फंक्शन, ये दोनों इक्वल फंक्शन है, आप दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। अब इसका सिंटेक्स क्या होगा, तो करेंट अंडरस्कोर टाइम। ठीक है, अब इसका टेक्निकल डिटेल्स क्या है, तो टेक्निकल डिटेल्स, आपका जो MySQL का जो वर्जन होना चाहिए 4.0 होनी चाहिए, उससे नीचे नहीं चाहिए, उससे अबव होनी चाहिए। ठीक है, अब इसका सिंटेक्स क्या है, तो लिखना है आपको अगर इसको एग्जांपल को देखते हैं तो लिखना है सेलेक्ट करेंट टाइम, तो आपको क्या मिलेगा, आज का जो भी अभी जो टाइम हो रहा है वो आपको टाइम मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप इस फंक्शन में प्लस 1 कर देंगे तो आपको न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो फ्रेंड इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो मैंने लोकल होस्ट पे अपने MySQL को ओपन कर लिया है, और आपको सिंपली लिखना है यहाँ पे, पहले मैं डेट से स्टार्ट करता हूँ, तो सेलेक्ट CUR डेट। ठीक है,
और मैं इसका एक नेम दे देता हूँ, टेम्परेरी नेम न्यू डेट। अब इसको मैं वो करूँगा, तो देखिए फ्रेंड आज जो डेट है वो आपको मिल रहा है, ठीक है। अगर आप इसको प्लस वन करेंगे प्लस वन, तो अभी आपको ये क्या है स्ट्रिंग फॉर्मेट में रिटर्न किया है। अब क्या अगर आप इसको गो करेंगे तो आपको न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न करेगा, तो देखिए फ्रेंड आपको न्यूमेरिक वैल्यू दे दिया, ठीक है। अब एक और फंक्शन होता है करंट डेट निकालने का, सी यू करंट अंडरस्कोर डेट, ठीक है। अगर आप इसको हटा दोगे प्लस को तो क्या होगा, ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में आपको डेट देगा, ठीक है, आज का ही डेट देगा। दोनों फंक्शन इक्वल है, मैं दोनों को करके दिखा रहा हूँ। और इसको अगर आप प्लस वन करोगे आपको ये न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। इसी तरीके से आप इसका टाइम भी निकाल सकते हो, तो टाइम कैसे निकालेंगे, करेंट टाइम, तो करेंट अंडर स्कोर टाइम लिखना है। अब ये आपको क्या देगा, स्ट्रिंग में रिटर्न करेगा। अभी देखिए अभी जो टाइम हो रहा है 7:24:03, ठीक है। अगर आप इसमें प्लस वन कर देंगे तो क्या होगा, ये आपको न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न करेगा। मैं वो किया तो देखिए टाइम का जो भी अभी जो टाइम हो रहा है उसका न्यूमेरिक वैल्यू उन्होंने रिटर्न किया है, ठीक है। अब आपको करेंट डेट एंड टाइम दोनों चाहिए, ठीक है, कि अब आज का कौन सा डेट है और अभी क्या टाइम हो रहा है, तो लिखना है करेंट डेट अंडर स्कोर टाइम स्टैम्प। अगर इसको आप गो करोगे तो क्या होगा कि आज का डेट और टाइम दोनों दिया, ठीक है। अगर इसी फंक्शन को आप प्लस वन कर दोगे तो आपको न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न करेगा। वन किया, गो किया, तो देखिए फ्रेंड इसका न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न किया, ठीक है। तो आप इस तरीके से MySQL में टाइम करंट टाइम का स्टैम्प यूज करके करंट डेट एंड टाइम निकाल सकते हो, ठीक है। करंट डेट यूज करके आप उस मतलब आज कौन सा डेट है करंट डेट निकाल सकते हो, और करंट टाइम अंडर स्कोर टाइम फंक्शन यूज करके आप टाइम निकाल सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।